सो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है ड्रॉपिंग पॉडकास्ट के एक और न्यू एपिसोड में। सो भाई आज हम न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले जो अपडेट के रिलेटेड है, जिसमें ऑक्शन हाउस के बारे में बात करेंगे प्लस मार्केट एंड एक और चीज़ है वो है रूइन ऑफ कैपिटल गोल्ड के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा इस सारे चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मार्केट प्लेस है एंड प्लस जो ऑक्शन हाउस है वह टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, उसकी जो फीचर्स है, उसकी जो मतलब UI काफ़ी मस्त है एंड मैं सारी चीज़ समझाऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, एक और चीज़, अगर वीडियो चैनल पर नहीं हो चलो सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर दो यार। और हाँ, अपडेट की सीजन आ चुकी है, इस बार हमें सितंबर की अपडेट मिल चुकी है। जो बैलेंस चेंजेस आई थी, छोटी मोटी बैलेंस चेंजेस थी, जो RC की सीकिंग एबिलिटी थी, जो इसकी सीकिंग थ्रोइंग एबिलिटी है, प्लस जो वो सारी चीज़ें हैं जिसमें बर्फ एंड नर्फिंग चला था, एंड प्लस अक्टूबर में अपडेट आने वाली है एक और चीज़ की, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना चैनल पर सबसे पहले डालूंगा, तो मेक श्योर नोटिफिकेशन आइकन दबा देना। ओके, क्योंकि जितने भी वीडियोस होंगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले तुम लोगों के लिए। सो भाई पहला चीज़ जो है वो है ऑक्शन हाउस। ओके, ऑक्शन हाउस के पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट प्लेस। तो भाई ये रहा हमारा मार्केट प्लेस, जहाँ पर हर एक बंदा सेल कर सकता है अपना मैजिक आइटम्स। मतलब मैजिक आइटम्स तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे जो तुम या जेम्स में कन्वर्ट करते होगे, तो भाई जेम्स में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू नहीं मिल पाता है। ओके, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट बनाया गया था, वो है मार्केट प्लेस के बारे में। तो भाई यहाँ पर इवन तुम हैमर भी सेल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो बिल्डर्स गोल्ड जो 230 जेम्स पे सेल किया गया। अगर नॉर्मली तुम सेल करते हो तो तुम्हें कितना मिलेगा, 50 जेम्स, बट यहाँ पर 230 पर सेल किया जा रहा है, 1250 पे हैमर एंड प्लस बिल्डर पोर्शन 7 जम्स, जो एज यूजुअल ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। एंड प्लस ये 2 एम्प्टी स्पेस है जो यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। मतलब क्लैन में जितने बंदे हैं ना वो हर एक बंदे सेल कर सकते हो जितना चाहो उतना आइटम, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है अभी के लिए, सिर्फ 5 आइटम सेल कर सकते हो एट अ टाइम। बस सेलन आइटम सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर जो कोई एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर अपना वैल्यू डाल देना है। ये डालने के बाद नेक्स्ट आता है ऑक्शन हाउस में, मतलब मार्केट प्लेस पर सेल कर दिया तुमने, और यहाँ पर ऑक्शन हाउस में वो चीज़ें जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बीडिंग लगेगी, जैसे तुमने डाला 1250, तो 1250 के ऊपर जो हमारा 1250 था हैमर एंड प्लस 230 था ये रूइन ऑफ बिल्डर्स गोल्ड, तो इसके ऊपर जाएगा बीडिंग। जैसे 230 के ऊपर 231 डालेगा, कोई 232 डालेगा, कोई 240, कोई मान लो 40, कोई 300 पे करेगा, या फिर कोई 450 या 500 तक पे करेगा। बस यहाँ पर बीडिंग लगाना है अपने जेम्स के हिसाब से भाई, इतना भी बीडिंग मत लगाना कि भाई लेने के लिए मतलब तुम दूसरे बंदे को ना लेने दो और आप खुद लेने के लिए तुम बिडिंग हाई लगा दो, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अगर उससे हाई बिडिंग नहीं लगाया तो ओब्वियसली तुम्हारा जेम्स डिडक्ट हो जाएगा, तुम्हें ये आइटम मिल जाएगा, इसकी फीचर ये है। ओके, तो यहाँ पर हर एक चीज़ की बिडिंग है, और यहाँ पर देख सकते हो जो हाईएस्ट बिडिंग है ना भाई वो 500 जेम्स की लगी है, मतलब स्टार्टिंग होती 230 से, अब 500 जेम्स है। और इसकी एक ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन के अंदर जितनी भी बिडिंग हुई ना उस बिडिंग के हिसाब से ही तुम्हें मिलने वाला है। बीडिंग की ड्यूरेशन है, बीडिंग ड्यूरेशन खत्म होने के बाद उस बंदे को वो जो भी मैजिक आइटम से वो मिल जाएगा। बस यहाँ पे ऑक्शन चलने वाला है, ऑक्शन में पता है तुम्हें क्या होता है, जस्ट नॉर्मली हमारा जो भी कोई घर होता है, कोई महल होते है, पता है अब मूवी में काफ़ी ऑक्शन होती थी सामानों का, सेम वे में यहाँ पर चलने वाला है। उसके बाद आता है भाई एक, आई नो इट्स क्रेजी है, वो है भाई रूइन ऑफ जेम्स। मतलब बस बता रहा हूँ भाई, सोच लो यार अगर तुम्हें रूइन ऑफ जेम्स मिल गया तो क्या होगा यार। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है स्टोरेज में कि तुम इतना फील कर सकते हो, बस जितना चाहो उतना फील कर सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी कूल होगी, मान लो तुम्हें अगर रूइन ऑफ जेम्स मिलेगा तो क्या करोगे, नीचे कमेंट में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रूइन ऑफ कैपिटल गोल्ड के बारे में। ओके, ये रहा रूइन ऑफ कैपिटल गोल्ड, जो तुम्हारे स्टोरेज के हिसाब से 25,000 है ना स्टोरेज, वो फिल कर देगा। अब प्लस ये शॉप डील्स या फिर गोल्ड पास में मिल सकता है, मतलब इतना भी कॉमन नहीं होगा, हर जगह मिलेगा, मतलब रेयर होगा, जैसे महीने में एक बार मिल गया, मतलब 2-3 महीने में एक बार मिल गया, फिर ऐसा करके मिलेगा ताकि जो क्लाइंट कैपिटल है उसको सभी लोग एक साथ प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगता है यार कैपिटल को प्रोग्रेस करना। और अभी तक मेरी क्लाइंट में लगभग मेरे ख्याल से लेवल 8 का मेरा क्लाइंट कैपिटल है, और आप लोगों का लगभग 6-7 होगा इस टाइप का भाई। इससे काफ़ी हेल्प होगा बाकी बंदों का, वो काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो 25,000 लिमिट है, वहाँ तक फॉलो करेगा, जहाँ पर हर एक को मैजिक आइटम्स दिया जाएगा और कुछ चीज़ें दिया जाएगा ताकि वो फटाफट अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट है भाई हमारा स्वॉर्ड ऑफ रेडिंग। जैसे स्वॉर्ड ऑफ क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल है, उसे सेम अब स्वॉर्ड ऑफ रेडिंग है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेड अटैक दिया जाएगा, मतलब स्वॉर्ड के लिए, मतलब स्वॉर्ड ऑफ अटैक अगर तुम चाहते हो ना, स्वॉर्ड ऑफ रेडिंग मिलेगा। जैसे ऑब्स्टिकल मिलती है उसके इस्तेमाल करके तुम एक्स्ट्रा रेड पा सकते हो। जैसे क्लैन कैपिटल में काफ़ी लोगों को ना एक्स्ट्रा अटैक चाहिए होता है, 5-6 अटैक से वो खुश नहीं रहते हैं, तो भाई एक्स्ट्रा अटैक जिसको चाहिए वो इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करके एक एक्स्ट्रा रेड कर सकते हैं, और उससे भाई कैपिटल भी गेन होगा, तो कैपिटल गोल्ड है, प्लस जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी फास्ट होगी।
इसे भी सेम तुम गोल्ड पास और बाकी CWL मेडल्स में परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे इसे सारी चीज़ लिखी गया है कि भाई जो हमारा सोवेल है, जो सोवेल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ रेडिंग है, आई मीन गाइस स्वॉर्ड ऑफ रेडिंग है, वो कैसे काम करेगा। ओके, एक एक्स्ट्रा अटैक के लिए। उसके बाद पावर पोशन। तो पावर पोशन तुम लोग सोच रहे हो भाई क्या बोल रहा है भाई, पावर पोशन ऑलरेडी गेम है जहाँ पर वो होम विलेज और बिल्डर बेस को टारगेट करता है, बट ये जो हमारा पावर पोशन है उसे क्लैन कैपिटल में भी प्रोग्रेस करना चाहिए। भाई कि क्लैन कैपिटल को क्यों छोड़ दे रहा है, जब बिल्डर बेस में काम कर रहा है तो क्लैन कैपिटल में काम करना चाहिए, तभी ना भाई हम मैक्सिमम ट्रूप्स, जो मैक्सिमम लेवल की ट्रूप है वो ले जा सके और भाई मजे मतलब तूफानी मचा सके। ओके, मतलब अपने कंपेटेंट को मतलब हाई लेवल ट्रूप से टारगेट करेंगे ताकि हम ज़्यादा कैपिटल गेन करें, ज़्यादा कीच करें, इतनी भी ओप नहीं होगी। ओके, मतलब इस हिसाब से हम काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके डिटेल्स की गई है कि भाई कैसे तुम जो पावर पोशन है उसे इस्तेमाल कर सको। प्लस इसी टाइप के अगर जाए ना तो भाई तुम बिल्डर पोशन या फिर हीरो पोशन इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, जो कैपिटल है ना क्लैन कैपिटल उसे में भी हमें इस्तेमाल करने देना चाहिए, तभी काफ़ी मस्त हो जाएगी। सो गाइस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी क्लैन कैपिटल, बेसिकली ये मैक्सिमम था क्लैन कैपिटल के बारे में, जहाँ पर क्लैन कैपिटल में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2023 में बिल्डर बेस में आएगा, बट 24 में उन्होंने कंफर्म कर दिया कि क्लैन कैपिटल जो है ना उनको वो लोग थोड़ा चेंज करने वाले हैं और प्लस उसके लिए और ज़्यादा कंटेंट लाने वाले हैं। तो काफ़ी मज़े आएंगे 2024 में, बट लगभग मान लो अभी से भाई लगभग 1-1.5 साल तुम्हें वेट करना पड़ेगा तभी मज़े आएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन पीस आउट।